नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और ऑटोकैड 3D की फर्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं, ये बेसिकली ऑटोकैड 3D की फर्स्ट क्लास है और जैसे हम 2D में काम कर रहे थे तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हमने एक्टिवेट किया हुआ था। 3D के लिए हमें 3D मॉडलिंग एक्टिवेट करना है। 3D मॉडलिंग के अलावा अगर आप 3D में बेसिक में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 3D बेसिक अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें आपको बेसिक टूल्स मिलेंगे। और अगर आप एडवांस में काम करना चाहते हैं तो आप मॉडलिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली प्रिमिटिव्स कवर करने वाले हैं। प्रिमिटिव्स की हेल्प से हम किस तरीके से आगे डिजाइन बना सकते हैं वो भी देखेंगे। तो ऑटोकैड 3D में जो हमारे पास प्रिमिटिव्स हैं वो हैं बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज एंड टॉरस। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास बॉक्स, तो बॉक्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर आपको डिफाइन करना है। तो फर्स्ट कॉर्नर हमारे पास है 0,0। तो 0,0 डिफाइन करने के बाद दो तरीके हैं, दो मेथड हैं बॉक्स बनाने के। फर्स्ट ऑप्शन है क्यूब। तो क्यूब जैसे ही आप डिफाइन करेंगे तो जितना भी आप लेंथ लेंगे, मान लीजिए हमने लेंथ ले लिया 50, तो 50 ही विड्थ हो जाएगा और 50 ही हमारे पास हाइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक क्यूब बना सकते हैं। तो यहाँ से हम विजुअल स्टाइल जो है वो कॉन्सेप्चुअल रख लेते हैं। तो इस तरीके से आप सिंपली एक बॉक्स बना सकते हैं अगर आपको क्यूब बनाना है। लेकिन अगर हमारी रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है तो आप 0,0 ओरिजिन डिफाइन करने के बाद यहाँ से लेंथ ऑप्शन को चूज करेंगे। तो लेंथ सपोज करिए हमारे पास 50 है, विड्थ हमारे पास 80 है और हाइट हमारे पास 10 है। तो इस तरीके से आप अपने डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं और एक सिंपली बॉक्स बना सकते हैं। अगर आप रेंडमली बनाना चाहते हैं तो आप रफली भी बना सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है और जितनी भी आपकी हाइट है। तो इस तरह से आप एक बॉक्स डिजाइन कर सकते हैं ऑटोकैड के अंदर 3D में। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिलेंडर। सिलेंडर हम सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे और यहाँ पे मेथड है हमारे पास अलग अलग, जैसे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, TTR का मतलब होता है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, और यहाँ से इलिप्टिकल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट के थ्रू डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट है और रेडियस हम ले रहे हैं 25। तो 25 लेने के बाद अब यहाँ से कितनी हमारे पास हाइट है वो हम हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 50 हमारे पास हाइट है तो ये 50 हाइट के ऊपर एक सिलेंडर बन गया है नॉर्मली। और दूसरा, अगर आप यहाँ से 3 पॉइंट लेते हैं तो आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट डिफाइन करने के बाद आप हाइट बताते हैं। ये भी एक मेथड है सिलेंडर बनाने का। अगर आप 2 पॉइंट लेते हैं तो आपको कोई भी 2 पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं। टेंजेंट में आपको टेंजेंसी डिफाइन करनी है 1, 2, और इन दोनों के बीच आपको रेडियस कितना रखना है 100, और फिर उसके बाद आप हाइट बता सकते हैं। तो एज यू कैन सी ये जो सिलेंडर हमने बनाया है ये दोनों सिलेंडर से टेंजेंट बना है। एक ऑप्शन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है कि आप इलिप्टिकल भी शेप बना सकते हैं सिलेंडर में, जिसमें आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और यहाँ से उसका माइनर एक्सिस, जो माइनर रेडियस है वो डिफाइन करने के बाद, डिस्टेंस बताने के बाद आपको हाइट डिफाइन करना होता है। तो आप इस तरह से इलिप्टिकल शेप में भी सिलेंडर बना सकते हैं ऑटोकैड 3D में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कोन। कोन के लिए सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट डिफाइन करना है, उसके बाद आपको रेडियस बताना है कि कितना आप रेडियस लेना चाहते हैं। हमने यहाँ से 100 डिफाइन किया। उसके बाद आपको हाइट बताना है कि हमारी हाइट कितनी है। तो ऑटोमेटिकली जितनी भी आप हाइट रखेंगे, सपोज हमने रखा 250, तो 250 के ऊपर ये स्ट्रेस एनक्लोज्ड एक कोन की शेप बनेगी। आप अगर ये चाहते हैं कि जैसे हमने बेस रेडियस डिफाइन किया है ऐसे ही टॉप रेडियस भी डिफाइन करना है कोन में, तो आप वो भी बना सकते हैं। जैसे बेस रेडियस हमने डिफाइन किया यहाँ से 100 और यहाँ से एक ऑप्शन आता है टॉप रेडियस। तो टॉप रेडियस क्लिक करने के बाद आपने रखा 20, तो जो भी हाइट आप यहाँ से लेते हैं, सपोज 250 लेते हैं, तो यहाँ पे 20 रेडियस हाइट भी रहेगी उसमें, जो टॉप रेडियस रहेगी, तो आप वो भी डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्फीयर। स्फीयर एक तरह की बॉल शेप होती है, तो जैसे आप उसको डिफाइन करेंगे फर्स्ट पॉइंट देने के बाद आप नॉर्मली रेडियस बता सकते हैं, डायमीटर भी आप बता सकते हैं। उसके लिए आपको पहले डी एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर आप वहां से जो भी आपका डिस्टेंस है, डायमीटर, रेडियस है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये एक बॉल शेप बन जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट ऑप्शन है पिरामिड। तो पिरामिड लेने के बाद पिरामिड बनाने के दो मेथड हैं। आप एज से भी पिरामिड ले सकते हैं, जैसे हमने एज लिया तो फर्स्ट एज है, सेकंड एज है, और उसके बाद जो भी हमारी हाइट है या फिर जो भी हमारी टॉप रेडियस है पहले हम वो डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमें कौन इसी तरह से पॉइंट के ऊपर इसे क्लोज करना है तो हम डायरेक्टली हाइट बता देते हैं 300। तो ये हमारे पास एक शेप बन चुकी है इस तरह से, जो कि हमने पिरामिड बनाया है इस तरह से। अगर आप इसे टॉप रेडियस रखना चाहते हैं तो पिरामिड पे क्लिक करिए, एज पे क्लिक करिए, फर्स्ट पॉइंट, अदर पॉइंट, टॉप रेडियस यहां से हम ले सकते हैं, टॉप रेडियस हमारे पास है 25। तो आप देख सकते हैं अब ये पॉइंट पे क्लोज ना हो करके ओपन एरिया है टॉप में, और हाइट है हमारे पास 450। तो इस तरह से आप कोई भी पिरामिड बना सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट पिरामिड में आप देख सकते हैं चार डिफरेंट साइड्स हैं हमारे पास, फोर साइड्स हैं। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से पिरामिड पे क्लिक करिए, नंबर ऑफ साइड्स पे क्लिक करिए, हमने इसे रखा 6। तो यहाँ से इस तरह से आप नंबर ऑफ साइड्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वेज। वेज के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करना है, सेकंड पॉइंट डिफाइन करना है, अदर पॉइंट, कोई भी आपको पहले एक एरिया बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको हाइट डिफाइन करनी है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। तो जितनी भी आप हाइट लेंगे तो इस तरह से ये एक रैंप प्रोफाइल बन जाएगा। ये आप डायनामिकली भी डिफाइन कर सकते हैं और विद इनपुट भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, अदर पॉइंट में हम लेंथ ले लेते हैं। तो लेंथ आप कितना ले रहे हैं, लेंथ हमारे पास है 500, विड्थ हमारे पास है 35, नाउ हाइट हमारे पास है 50। इस तरह से आप रैंप डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टॉरस। तो टॉरस के लिए आपको टू रेडियस डिफाइन करने हैं, फर्स्ट मेजर और सेकंड क्यूब रेडियस। तो मेजर हमारे पास कितना है, ये हम रख लेते हैं 800, ये हमारा 800 रेडियस है, और ट्यूब रेडियस आपको कितना रखना है वो हम 50 रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम ट्यूब बना सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट क्लास। तो गाइज आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, प्रिमिटिव्स हमने फर्स्ट क्लास में कवर किए हैं, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व और स्वीप बताने वाला हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 3D में और 2D में और जो हम एडवांस सॉफ्टवेयर की वीडियो अपलोड करने वाले हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लें। मैं डेली नए वीडियोस लाता रहूंगा, जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।